हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन पैक। तो यहाँ पे मैंने बनाया आज ब्रेड सैंडविच यानी चीज़ सैंडविच, सॉरी, और उसके साथ मैं क्यूकम्बर दे रही हूँ आज बच्चों को थोड़ा सा हटके। तो एवरी डे रहता है बच्चों का अलग अलग डिमांड। श्रेयांश की फरमाइश थी कि मम्मा सैंडविच बना के दीजिए, उसे चीज़ सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन जो है पैक हो गया है। अभी मैं स्नैक्स ब्रेक में फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। तो बच्चों को मैं ज़्यादातर क्या, हमेशा ही सिर्फ मैं ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। सैंडविच के लिए तो वाइट ब्रेड होता है, बट मैं ब्राउन ब्रेड देती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए वो सही होता है। तो और यहाँ पे हो गया स्नैक्स ब्रेक भी पैक। तो रही हूँ, तो अभी चलिए कर लेते हैं कुकिंग। तो आज मैं आलू और पटल की सब्जी बनाने वाली हूँ, और ये पटल पूरा पीला पीला है, यहाँ पे इसी तरीके का मिलता है। तभी मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ चॉपिंग। पटल काट लिया है, बहुत सारा पटल जो था वो बहुत पीला था, मतलब हार्ड हार्ड था अंदर से। और यहाँ पे मैं आलू थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर ले रही हूँ क्योंकि मैं आज आलू और पटल की सब्जी बना रही हूँ। और करेला भी जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ था 2-4 दिनों से, तो मैं सोच रही थी कि करेला मसाला या करेला भर के बना लूँगी, लेकिन अभी आज मैं लेके आ गई हूँ और आज मैं इसकी भी भुजिया बनाऊँगी। तो ये एक बड़ा सा करेला था, थोड़ा तो थोड़ा अंदर से हार्ड था, तो मैं उसे बीच से कट कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर उसे मैं पतले पतले पीसेस में कट कर दूँगी। और खूब सारा प्याज डाल के मैं इसकी अलग से भुजिया बना दूँगी। तो वो भी प्याज थोड़ा ज़्यादा डालो तो बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर जो था पतिदेव बालकनी में रखा हुआ था कोकोनट वाटर, तो लेके आ गए थे। तो यहाँ पर मैं कोकोनट का मतलब कोकोनट निकाल रही हूँ और अभी हम लोग कोकोनट वाटर लेंगे। तो यहाँ स्ट्रॉ डाल के दे दिया है मैंने हस्बैंड जी को और वो अपना लेके चले गए, और मैं अपना यहाँ पे ले रही हूँ, मतलब मैं अपने लिए यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। क्या होता है कि जैसे ही अंदर प्रेस करो ना, पानी का छींटा इतनी तेज़ी से आता है कि पूरे फेस पे चला जाता है, वही मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर ले लेते हैं वाह कोकोनट वाटर। तो मैं स्ट्रॉ ढूंढ रही हूँ कि मेरा स्ट्रॉ कहाँ है। तो एक्चुअली वो वॉश करके ला के और जहाँ मैं नाइफ वगैरह रखती हूँ उसी कप में वो रख दिए थे। तो उसी के साथ साथ मैं ये स्लैब थोड़ा सा, मतलब कुछ भी आ जाता है ना तो फटाफट से क्लीन कर लो, खाली खाली सा अच्छा लगता है। और अभी मैं थोड़ा देर रुक के पहले कोकोनट वाटर पीऊँगी और उसके बाद फिर बाकी का कुकिंग स्टार्ट होगा मेरा। और अभी यहाँ पे मैं गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, तड़के के लिए जीरा, दालचीनी और एक सूखा मसाला, सूखा मिर्च हो मतलब सूखी हुई जो मिर्च होती है ना दाल वाली, और ये फिर कटी हुई पटल। और उसी के साथ मैं उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा हल्दी। इससे क्या होता है ना कि जो तेल का छींटा है ना बहुत कम बाहर आता है। और फिर इससे हम लोग पटल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ देखिए पटल जो है हमारी थोड़ी फ्राई हो गई है, तब इसी के साथ जो मैं आलू कट करके रखी थी वो डाल दी हूँ और दोनों को फिर एक साथ फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही दोनों फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज और मसाले डालूंगी। तो देखिए आलू भी थोड़ा सा फ्राई हो गया, उसके बाद फिर मैं ये कटी हुई प्याज डाल दी हूँ जो कि लंबे लंबे स्लाइसेस में मैं कट कर ली हूँ। और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ऐसे पका लेंगे, और अब बिल्कुल थोड़ा सा जैसे कि प्याज थोड़ा सा पक जाए। और उसके साथ ही फिर इसमें डाल दे रही हूँ मैं मसाले, डाल दूँगी सारे बेसिक से। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें मैं डालूँगी जीरा पाउडर और फिर किंग जो किचन किंग मसाला होता है ना वो भी मैं इसमें डाल दी, उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। फिर साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन कूट के, कट करके टमाटर डाल दिया और सारे मसाले को एक साथ हमें भून लेना है। साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है ताकि जो मसाले और सब्जियाँ ना एक साथ भूनता भी रहेगा और पकता भी रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो सब्जी है ना थोड़ा ड्राई बनाना है, मतलब ड्राई सब्जी ही बनानी है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था। तो मैं सोची चलो इसको आज ड्राई सब्जी बनाते हैं। और जब तक कि सब्जी उधर पक रही है मैं साथ ही साथ यहाँ पे सेवैया लेके आई थी पतली वाली जो होती है ना, तो उसे मैं यहाँ पे भून, ऑलरेडी ये रोस्टेड है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा घी डाल के इसे रोस्ट कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैं मोटे मोटे लंबे लंबे ही मैं तोड़ ली थी, तो इसे मैं जो है ना स्पैचुला के हेल्प से ही तोड़ रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया है बॉयल करने के लिए, और दूध में बॉयल आ गया है। फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ शक्कर, और दूध
देखिए दूध में अच्छा खासा उबाल आ गया है, साथ ही साथ मैंने शक्कर भी डाल दिया है और गैस का फ्लेम जो है मतलब गैस को बंद करके और उसके बाद फिर मैं इसमें सेवैया को डाल दूंगी, फिर इसे अच्छे से मिक्स करके और थोड़ी देर ढक के छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर इसे हम उबालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा वो होता है ना थिक हो जाता है, फिर कितना भी दूध डालो वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो कभी भी हम अगर पतले वाली सेवैया बनाते हैं तो हमें उसे उबालना नहीं है, अगर चाहें तो बिल्कुल थोड़ा सा उबाल सकते हैं, उसके बाद फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो सेवैया है वो मेरी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे परीदेव की फरमाइश हो गई थी कि मैंगो शेक बनाइए, तो मैं यहाँ पे मैंगो शेक बना रही हूँ। तो ये मैंगो था, उसका छिलका निकाल के उसका पल्प निकाल ले रही हूँ और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैं कंटेनर में डाल दे रही हूँ। और फिर हमें बना लेना है मैंगो शेक, जो कि इस मौसम का सबसे फेवरेट शेक होता है, जबकि गर्मी का मौसम होता है और मैंगो सबका ही फेवरेट फ्रूट्स होता है, जिसे बोला जाता है आम फलों का राजा है। तो सीरियसली आम फलों का राजा ही है, मुझे भी बेहद पसंद है और बच्चों को भी मैंगो बेहद पसंद है, लेकिन वो लोग शेक नहीं पीते हैं, वो लोग अभी स्कूल गए हुए हैं। तब तक मैं यहाँ पे शेक बना रही हूँ पति देव के लिए। मैंने इसमें डाल दिया शक्कर, उसके साथ ही मैंने काजू डाल दिया और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये मलाई वाली दूध, जो कि चिल्ड मैंने फ्रिज में रखा था और थोड़ा सा मैंने पानी डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक मिल्क था और बहुत गाढ़ी इसमें मलाई भी पड़ी हुई थी, बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसमें पानी डाला है। यहाँ पे जो है हमारा मिल्क शेक रेडी हो गया है, तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ कांच की ग्लासेस में। तो और इसे थोड़ा सा हम लोग डेकोर कर देंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से हम लोग गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं गार्निश कर दे रही हूँ किशमिश और काजू से, मुझे नहीं चाहिए था लेकिन पतिदेव का था कि थोड़ा सा गार्निशिंग करके रहता है तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे गार्निश। तो यहाँ पे हमारा मिल्क शेक जो है रेडी हो गया है, यानी मैंगो मिल्क शेक। और यहाँ पर पतिदेव के भी ले रहे हैं अपना मिल्क शेक और मैं भी ले रही हूँ और हम लोग बस कुछ बातें कर रहे हैं, जो भी इनका ट्रांसफ़र का जो है कि कब जाना है, कैसे जाना है, कब जाके ज्वाइन करना है, ये सारी हमारी बातें चलती रहती हैं। और चलो फ्रेंड्स, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो अभी मैं पतिदेव के साथ जा रही हूँ बाहर, क्योंकि आज है मतलब आज कुछ खास काम के बारे में पता करने के लिए मैं जा रही हूँ। क्या होता है नहीं होता है आने के बाद मैं आप लोगों से बताऊँगी और उसके बारे में बात करूँगी। फिलहाल चलते हैं, टाइम हो गया है क्योंकि 3 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे और अभी 12:30 हो गया, तो हम लोग निकलते हैं। और बाहर बादल है जैसे बारिश जैसा मौसम है, तो थोड़ा सा जल्दी काम ख़त्म करके और फिर आते हैं, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। चलिए जल्दी आइए। नहीं मैं सैंडल पहनूंगी ना। तो यहाँ पे चल दिए हम लोग और पहुँच गया इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मुझे मिलना था और मतलब किसी स्टाफ से मिला था, लेकिन यहाँ पे कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं था और मैं कंटिन्यू वेट मतलब हम दोनों कर रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग 15 से 20 मिनट वेट किए थे, कोई आया नहीं। और हम लोगों ने फ़ोन पे बात भी किया, बट आज यहाँ पे क्या है कि क्लास चलता नहीं है और उसका मेन ब्रांच जो मेन ब्रांच से दूसरी जगह है, और जब भी मैं कुछ सोच के घर से निकलती हूँ वो मेरा काम कभी पूरा ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। गवर्नोस गई एक इंस्टीट्यूट के लिए, गई थी इंस्टीट्यूट में गई थी एक्चुअली, और वहाँ जिससे मिलने गई थी उससे मिल नहीं पाई थी और मैं आगे आप लोग से बात नहीं कर पाई क्योंकि शायद मुझे धूप लग गया था और बहुत तेज़ हेडेक हो गया आते आते। मैं आते आते बस कपड़े भी नहीं चेंज की थी, मैं लेट गई, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए, मैं उनमें लग गई और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरा हेडेक बढ़ गया था, फिर मैं दवा वगैरह ली, उसके बाद ही जाके मेरा हेडेक ठीक हुआ। तो मैं उस दिन उसके बाद वीडियो कंटिन्यू ही नहीं की, आप लोगों से बात नहीं कर पाई, आप लोगों को बता नहीं पाई कि मैं कहाँ गई थी। एक इंस्टीट्यूट में गई थी जहाँ पे वो लोग मेकअप सिखाते हैं, मतलब एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे कॉलेज के भी क्लासेस चलते थे मेकअप के भी, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो क्लास उस दिन बंद रहता है, तो वहाँ पे कोई मेम्बर्स नहीं थे, मतलब वो उस जिसके थ्रू गई थी मैं एक्चुअली गूगल करके गई थी, तो वहाँ से मुझे कॉल आया था इंस्टीट्यूट से कि वहाँ पे जाके मिल लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे जब गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, उस दिन क्लास ऑफ रहता है। तो फिर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा था और खामोखा परेशानी भी हो गई थी और काफ़ी दूर भी था यहाँ से, ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 किलोमीटर हम लोग गए थे, तो बात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में भी बात किया हुआ, तो देखते मैं कहाँ जा पाती हूँ और स्पेशली मैं किस चीज़ के लिए जा रही हूँ, वो सारी डिटेलिंग मैं आप लोग को बाद में करूँगी।
तो इस वजह से मैं अभी अगले वीक फिर से जाऊंगी, दूसरे इंस्टीट्यूट में बात करूंगी। इंस्टीट्यूट नहीं, अगर मुझे अगर कोई अच्छा सा पार्लर मिल गया वहाँ पे मैं अपने मेकअप कोर्सेज स्टार्ट करूंगी। एंड आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और आगे इसी तरीके से मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। और बस आप लोग की सपोर्ट मिलती रहेगी, मैं ऐसे आगे बढ़ती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।